नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने घर का पानी TDS मीटर के थ्रू कैसे चेक करें। जी हाँ दोस्तों, आपके चाहे घर का पानी हो या ऑफिस में आप जाते हैं, ऑफिस का पानी है उसको कैसे चेक करें, उसकी हार्डनेस कैसे चेक करें, कंटामिनेटेड है कि नहीं कैसे चेक करें, तो ये हम TDS मीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद मैं एक वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि TDS मीटर के थ्रू अब अपने घर के पानी को या अपने RO के पानी को कैसे चेक करें। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं कुछ बात करता हूँ TDS की। तो TDS मतलब होता है दोस्तों टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। और जब आप TDS मीटर के थ्रू पानी चेक करेंगे तो उसकी रीडिंग आएगी PPM में। PPM होता है पर पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन PPM का मतलब होता है। तो कितना PPM पानी पीना चाहिए, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों पानी जो पीना चाहिए 30 to 50 PPM पीना चाहिए। 30 to 50 PPM जो आइडियल माना गया है पानी पीने के लिए। और अगर आप 30 से कम पीते हो पानी, अगर आपका जो RO है वो 30 से भी कम PPM दे रहा है, तो उसका मतलब है कि उसमें जो एसेंशियल मिनरल्स वगैरह भी पानी में नहीं आ रहा है, मतलब टोटल सॉफ्ट वाटर हो गया है वो। और उसमें जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो भी अपने पानी में, वो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, टोटल डिसॉल्व हो गए हैं आपके क्या मिनरल्स। तो जनरली बोला गया 30 to 50 PPM पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि 50 to 100 PPM भी पानी आप पी सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छे खासे मिनरल्स मिल जाते हैं आपकी बॉडी के लिए। और दोस्तों, जैसे आप मतलब 80 PPM 90 PPM पीते हो पानी, तो उसमें क्या होता है, एकदम से आप जैसे बाहर का पानी पीते हो, मतलब RO का पानी जो पी रहे हो आप, वो 80 और 90 PPM है। और जैसे आप बाहर का पानी पियोगे तो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपने अपना RO को सेट करके रखा है 50 PPM के अंदर, मतलब 40 PPM हो गया या 50 PPM हो गया, तो एकदम से आप कहीं बाहर का पानी पियोगे जो कि ज़्यादा PPM वाला निकला, तो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, आप हो सकता है उसे बीमार भी पड़ जाए बाहर का पानी पीने से। तो कुछ एक्सपर्ट लोग का कहना है कि 50 to 100 PPM पानी पीना चाहिए, 50 के ऊपर ही पानी होना चाहिए, चाहे वो 60 हो, 80 हो, 90 हो या 100 हो। और दोस्तों, 100 के ऊपर अगर पानी जाता है तो फिर हार्डनेस उसकी जो है पानी की बढ़ती जाती है। 100 PPM, 200 PPM, 300 PPM और 400 PPM के ऊपर अगर पानी गया तो वो उसका मतलब है कंटामिनेटेड पानी है, मतलब अशुद्ध पानी है। वो नाले का पानी भी हो सकता है, सीवेज का पानी भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा है अगर आप जो ये TDS मीटर आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये जनरली 400-500 रुपये से चालू हो जाते हैं और इनमें भी कई सारी वैरायटी आती है दोस्तों। तो आप सिंपल नॉर्मली 700-800 वाला एक TDS मीटर खरीद सकते हैं। तो ये इसके ऑनलाइन जो आप ले सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उधर से जाके भी खरीद सकते हो और ऑनलाइन देख भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो देखिए, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने घर का जो RO लगा है और जो नॉर्मल पानी है उसको TDS मीटर के द्वारा कैसे चेक करें। तो ये देखिए दोस्तों, ये TDS मीटर है, ये देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये HM का डिजिटल TDS मीटर है दोस्तों, ये आप खरीद सकते हैं, नीचे से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करके ये देखिए ढक्कन, हम जो है नीचे इसका ढक्कन, इसको हम निकाल लेंगे, ओपन करेंगे और इस ढक्कन में हम पानी डालेंगे। और ये दोस्तों, ये जो पानी है नॉर्मल पानी है ना, ये देखिए नॉर्मल पानी, इसको हम भर लेंगे, करीब आधा भर लेंगे। ये देखिए, आधा भरने के बाद इसको इसमें डिप करेंगे, ये देखिए इस तरीके से डिप करेंगे। तो देखिए बस कुछ ही सेकेंड में इसकी रीडिंग आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी रीडिंग आ गई और इसकी रीडिंग है 365 इसकी रीडिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाटर है, ये नॉर्मल पानी था। अब हम RO का पानी चेक करेंगे, ये है एक्वा का जीनियस प्लस मॉडल। ये देखिए, अब ये RO का हम पानी चेक करते हैं, इसका देखते हैं कितना TDS लेवल है। तो ये देखिए, इसको भी वैसे ही हम आधा भर के इसमें डिप करते हैं। ये देखिए डिप करेंगे तो ये देखिए इसका आ रहा है 67 PPM। और जो दोस्तों नीचे आ रहा है 27.3, ये सब ये रूम टेम्परेचर आ रहा है ना, रूम टेम्परेचर आ रहा है, ऊपर आ रही है इसकी रीडिंग, तो 67 के आसपास आ रही है रीडिंग, मतलब ये पानी हम पी सकते हैं, पीने लायक है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको बताया कि डिजिटल जो TDS मीटर है तो उसके द्वारा पानी को कैसे चेक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों, अगले नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, जब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल नॉलेज फॉर इंडियन।